हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे जनरल अवेयरनेस सीरीज को। और ये सीरीज आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूसेट, आईपीयूसेट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपके पास टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे सामने, द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज। फर्स्ट ऑप्शन इज पब्लिक कमिटी, सेकेंड ऑप्शन एस्टिमेट कमेटी, थर्ड ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, फोर्थ ऑप्शन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, एस्टिमेट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड। अब जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर सेशन होते हैं उसके बीच में कितने महीनों का टाइम गैप एक्सीड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 3 मंथ, सेकेंड ऑप्शन है 6 मंथ, थर्ड ऑप्शन है 9 मंथ और फोर्थ ऑप्शन है 1 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। मतलब जो आपके सेशन होते हैं पार्लियामेंट की उसके बीच में गैप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपके विंटर सेशन और मॉनसून सेशन, इनके बीच में जो गैप होंगे वो 6 मंथ तक ही हो सकते हैं, इससे ऊपर गैप नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज अ। अब जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, थर्ड है आपका लीगल बॉडी और फोर्थ है आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है NDC वो है आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 12 अक्टूबर 1993, सेकंड ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1993, थर्ड ऑप्शन है 10 दिसंबर 1992 और लास्ट ऑप्शन है आपके पास जनवरी 27, 1991। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 12, 1993 को एस्टेब्लिश हुई थी हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है और साथ में मंथ भी याद रखना, क्योंकि जो इसके दो ऑप्शन है वो आपके सिमिलर है। पहला आपका 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ईयर आपका सेम है तो आपने मंथ भी याद रखना है और डेट भी याद रखनी है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लैंग्वेज डिक्लेयर एज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट। अब कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। ऑप्शन दे रखा आपके पास तमिल, गुजराती, संस्कृत और बंगाली। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका तमिल। तमिल को हम क्लासिक लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो तमिल आंसर भी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। प्रीएम्बल, बी ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी ऑप्शन है आपके पास फंडामेंटल राइट्स और डी ऑप्शन है जुडिशियल डिसीजन। तो करेक्ट आंसर होगा उसका आपका ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो जो आपकी सेपरेशन की बात हुई जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से कैसे अलग है वो आपको बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड है आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, जुडिशियल राइट और फंडामेंटल राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, विच आर्टिकल सेपरेट्स जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। अब आपने अभी पढ़ा है हाल ही में कि कौन से आर्टिकल को हटाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 370। जो 370 थे आर्टिकल उसी की वजह से जम्मू कश्मीर में एक अलग स्टेटस दी गई थी बाकी स्टेट के मुकाबले, तो आर्टिकल 370 था वो जो कि हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसमें आपसे उससे आर्टिकल पूछा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज। अब जो पोस्ट है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की वो क्या है, मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डी है आपके पास कन्वेंशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि ऐसी कोई पोजीशन मेंशन ही नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला है आपके पास क्वेश्चन, द टर्म बजट इज यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे पूछा गया है कि जो बजट का टर्म है वो कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज हुआ है। तो ए क्वेश्चन है आपके पास, ए ऑप्शन है आपके पास 4 times, बी है आपके पास फ्रीक्वेंटली यूज, सी ऑप्शन है 3 times और डी ऑप्शन है नॉट यूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट नाम की कोई वर्ड ही नहीं यूज की गई है, तो नॉट यूज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हम इसे अपने बजट को हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, पर ईयर जो रिलीज होता है उसे हम बजट नहीं बुलाते, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिजेक्ट द। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या रिजेक्ट नहीं कर सकते, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल, डी ऑप्शन है आपके पास बिल सिलेक्टेड टू द फंडामेंटल राइट्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजेक्ट नहीं कर सकते, और जो बाकी बिल्स है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, वो उनके हाथ में होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो होता है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जोनल काउंसिल आर प्रोवाइडेड। अब जोनल काउंसिल है वो क्यों दी गई, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय पार्लियामेंट्री एक्ट, अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। तो जोनल काउंसिल कैसे प्रोवाइड की गई, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बाय पार्लियामेंट्री एक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हेल्ड इलेक्शन फॉर। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो किस चीज का इलेक्शन हेल्ड नहीं करता, नहीं करवाता। तो पहला ऑप्शन है द पार्लियामेंट, दूसरा ऑप्शन है द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा ऑप्शन है आपके पास लोकल बॉडी, और डी ऑप्शन है प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि लोकल, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल। अब जो राइट टू प्राइवेसी है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ए ऑप्शन दे रखा है आपको आर्टिकल 19, बी दे रखा है आर्टिकल 21, सी दे रखा है आर्टिकल 18 और डी ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 20। तो आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंदर राइट टू प्राइवेसी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 21, ठीक है, 21 आर्टिकल के अंदर आता है राइट टू प्राइवेसी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, फ्रीडम ऑफ प्रेस कम्स अंडर विच आर्टिकल। अब आपसे पूछा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आर्टिकल 20। तो कुछ आर्टिकल आपके क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके अंदर आता है, तो ऐसे आपको याद रखना है, आप साथ साथ करते जाओगे तो आपको याद होता चला जाएगा। तो अभी आपसे पूछा फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड द हाउस ऑफ पीपल अंडर आर्टिकल 94। ए ऑप्शन दे रखा है स्पीकर, बी दे रखा है वाइस प्रेसिडेंट, सी दे रखा है डिप्टी स्पीकर और डी ऑप्शन दे रखा है आपके पास प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जो स्पीकर है वो पावर हेल्ड करता है आर्टिकल 94 के हिसाब से, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है स्पीकर को। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लीडर ऑफ द हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट इज अ। जो लीडर ऑफ द हाउस है वो क्या है, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, यूनियन मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट ऑल द फॉलोइंग। अब प्रेसिडेंट इनमें से सबको अपॉइंट कर सकता है एक को छोड़ के, तो आपको उसका नाम बताना है, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, हाई कोर्ट जजेस, राज्यसभा चेयरमैन। तो आपको बताना है कि इनमें से किसे अपॉइंट कर सकता है एक्सपेक्ट, उसे छोड़ के। तो करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को वो मतलब एक स्टेटस देते हैं, तो उसके हिसाब से वो भी आंसर सही होगा, लेकिन डी ऑप्शन राज्यसभा के चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिड्यूरी पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट।
तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट लिस्ट जो होते हैं वो दोनों के अंदर आते हैं, यूनियन में भी स्टेट में भी, और जो दोनों के अंदर आते हैं उसे कहते हैं आप कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जो भी चीजें होती है वो दोनों ही चीजें संभालती है, यूनियन लिस्ट भी संभालती है और स्टेट गवर्नमेंट भी संभालती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। अब कौन से आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज, किस आर्टिकल के थ्रू कहा गया है? ऑप्शन दे रखा आपको आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 343, आर्टिकल 346। तो करेक्ट आंसर है इसका आर्टिकल 343। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये हमारे आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कोई भी चीज पूछनी हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमें फॉलो करके आप हमसे पूछ सकते हो, आपके जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और इस वीडियो प्लेलिस्ट आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन की प्लेलिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, और बाकी सेक्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक्स आप वहां से जाकर देख सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।